जनपद लखीमपुर खीरी में किसान कल्याण संघ द्वारा आज लीला कुआं चौराहा से दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान कल्याण संघ लखीमपुर खीरी की कार्यकारिणी द्वारा पूरे लखीमपुर में 25,000 दीयों का वितरण किया गया। ऐसे ही पूरे प्रदेश में 1,00,000 से ज्यादा दीपक किसान कल्याण संघ द्वारा वितरित किए गए हैं। दीपदान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर वर्ग खुशियों से दीपावली मनाए, हर घर में रोशनी आए। प्रदेश अध्यक्ष अनुज मौर्य ने बताया कि किसान कल्याण संघ भारत के कई राज्यों में कार्यकारिणी का गठन कर चुका है। उत्तर प्रदेश में भी 40 से ज्यादा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया जा चुका है। किसान कल्याण संघ द्वारा मुख्य उद्देश्य किसान वर्ग के युवाओं को जोड़ना, किसानों को जागरूक करना व प्रशासन द्वारा किसान कल्याण संघ के कार्यकर्ता द्वारा हर किसान की हर संभव मदद करना। प्रदेश प्रधान महासचिव अनुराग पटेल जी ने बताया कि यह टीम बनाकर के किसानों के घर घर जाकर उन्हें किसानों की योजनाओं पर पहुंचा रहे हैं। किसानों की शिकायतों पर, उनकी समस्याओं पर लिखित रूप से अधिकारियों से संपर्क कर उसका निवारण करवा रहे हैं। कार्यक्रम में विशेष मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अनुज मौर्य, प्रदेश प्रधान महासचिव अनुराग पटेल, प्रदेश महासचिव अनुपम तिवारी, प्रदेश महासचिव राहुल श्रीवास्तव, प्रदेश मीडिया प्रभारी अभिषेक मौर्य, लखीमपुर खीरी से जिलाध्यक्ष विकास वर्मा, जिला उपाध्यक्ष विशाल वर्मा, जिला महासचिव अभिषेक वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष आकाश वर्मा, जिला महासचिव अनिरुद्ध कुमार, जिला सचिव सौरभ मौर्य, जिला सचिव उत्कर्ष पटेल, जिला सचिव प्रदीप वर्मा, जिला सचिव मोहम्मद कैफ, जिला सचिव शिवकेश विश्वकर्मा, जिला महासचिव अश्वनी वर्मा, जिला सचिव विशाल वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद अकील, सोशल मीडिया प्रभारी श्रीकांत सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी कौस्तुक रंजन पटेल, जिला प्रवक्ता अखिलेश मौर्य व कई पत्रकार बंधु राधेश्याम दीक्षित, खुर्शीद आलम, राहुल वर्मा व कई अन्य किसान भाई व साथी उपस्थित रहे। बताइए किसान कल्याण संघ जो है उसमें आपका यह त्यौहार का दिन आप दिया जला रहे हैं, उसमें क्या आपका उद्देश्य है? देखिए सर, प्रथम तो मैं बताऊंगा कि किसान कल्याण संघ जो है वो हमने युवाओं को जोड़ने के लिए बनाया है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या है। हमारा देश जो है पूर्णतया किसानों से ही घिरा हुआ है और हमारी सरकारें जो हैं किसानों के हित में कार्य नहीं कर रही। कहीं गन्ने का पैसा नहीं आता है, कहीं समय से उनकी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, बीच में अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए हमने एक नई संस्थान बनाई है जिसका नाम है किसान कल्याण संघ। किसान कल्याण संघ ये पूरे देश में है, अभी हम लगभग 7 राज्यों में फैल चुके हैं अलग अलग, और उत्तर प्रदेश में भी हम 35 से ज़्यादा जिले कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मकसद है युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ना। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हम किसान कल्याण संघ के माध्यम से सरकार पर रखते हैं, सरकार उनको सुलझाती है। अगर सरकार सुलझाने में सक्षम नहीं है तो वो हम अपने तरीके से किसानों की मदद भी करते हैं। त्यौहार के दिन आप दिया जलाने जा रहे हैं, इससे क्या मतलब है? आज दीपावली के दिन सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ किसान कल्याण संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से। आज के दिन हमने कार्यक्रम रखा है दीपदान। यह पूरे प्रदेश में बहुत जोर शोर से मना रहा है किसान कल्याण संघ अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ। इसका मकसद है किसान के घर में या निचले स्तर जो गरीब परिवार है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास दिए तेल बाती खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, हमारा मेन मकसद है कि उनके घर में भी आज दिवाली मने, उनके घर में भी खुशियाँ आए। चिमनिया और भट्टों के धुआं को छोड़कर किसानों के ऊपर जो पराली जलाने को लेकर कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में आपका संकेत क्या कर रहा है? देखिए, पराली जलाने को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत ही गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। सर्वप्रथम हमारे किसान जो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए किसान को सबसे पहले सही चीज की जानकारी होनी चाहिए। किसान खुद पराली नहीं जलाएगा, सरकार कार्रवाई कर रही है लेकिन सरकार किसानों को जागरूक नहीं कर रही है। अगर पराली जलाना गलत है तो पराली क्यों नहीं जलानी चाहिए, इस पर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही। अगर सरकार ये किसानों को बताए कि पराली जलाना गलत है, पराली नहीं जलानी चाहिए, इससे प्रदूषण होता है, तो उस पराली को किस तरीके से नष्ट करे सरकार ये भी तो हर जगह बताए। कार्रवाई करना ये बहुत गलत है। सर, ये सब किसानों के लिए जरूरी है, ये जो मिल रहे हैं जो भट्टे वाले द्वारा धुआं छोड़ा जाता है, कुछ इसका भी तो विरोध हो रहा है? देखिए, हम लोगों ने प्रदेश से कई ज्ञापन भी मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, बहुत ही जल्द इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये तो प्रदूषण के लिए हानिकारक है ही, अभी फिलहाल सरकार भी इस पर कई योजनाएं लेकर के आई है, लेकिन कार्रवाई स्वयं बोले ना कि अधिकारी भ्रष्टाचार, जो मिलजुल करके सारा सिस्टम आता है कागजों को